मैं डॉक्टर नकवी राजकीय मस्तिष्क विद्यालय में काउंसिल हम एस एस पी ऑफिस आज यहाँ आए कि एक मसला है थाना किला क्षेत्र के लीची बाग का। वहाँ एक मस्जिद के इमाम है मुफ्ती सवाले हसन साहब, वो इमामत तो करते हैं उसके साथ साथ 3 बजे से 5 बजे तक छोटे बच्चों को कलाम पाक की तालीम देते हैं। एक छोटी बच्ची जो सबक याद करके नहीं आई थी उसको उन्होंने डांट दिया, कहा डंडा मार दिया, वो रोती हुई घर गई। छुट्टी जब सब बच्चों की हो गई उसके बाद उसके माँ बाप आया हौजे में घुस के उन्होंने मुफ्ती सवाले हसन साहब को मारा पीटा, फिर उन्हें उठा के ले गए अपने घर और ले आए कमरे में बंद कर दिया, वहाँ उनकी पिटाई लगाई। क्षेत्र के लोग सब इकट्ठे हुए मोहल्ले के, उनके भाई ये इमाम है तुमने कैसे ये हरकत करी। फिर मोहल्ले के लोगों की मीटिंग हुई तो आधे लोगों बोले ऐसा यार कराओ, आधे लोग बोले नहीं ऐसा आया तो माफ़ी मांग ले मामले को निपटा दो। उन्होंने कहा भाई कल शाम को मीटिंग रख लो, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाओ, नहीं बुला लिया जाए। बजाय उसके वो इकट्ठे होते, वो इकट्ठे होकर वहाँ उनके माफ़ी तलाफी करती, वो सीधे थाने पहुँच गई और उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी के साथ मेरी बच्चे के मुँह में पेशाब की जगह दे दी। एक पास पे एक्टर था दोनों ने मुकदमे लिखवा दिया। अब उसके बाद जब वो मोहल्ले में आई तो मोहल्ले के लोगों ने कहा भाई तुम्हें तो माफ़ी तलाफी करना चाहिए थी, बजाय इसके तुमने झूठी। फिर उन्होंने एक माफ़ी तलाफी करी, एक एप्लीकेशन दी और एक शपथ पत्र दिया जो कप्तान साहब को उसी वक्त रात में 10:30 बजे बाई पोस्ट भेज दिया। मगर उसके बाद फिर किसी ने उन्हें चढ़ाव उतार कर दिया, वो फिर थाने पहुँच गई साहब वो पास पे एक में मुकदमा है, हमारे बयान कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो आज क्षेत्र के सब लोग इकट्ठे होकर कप्तान साहब के पास आए हैं, वो 100 से ज़्यादा शपथ पत्र ये रखे ये सब दिए हैं कप्तान साहब को दिखाए। कप्तान साहब ने सी ओ सेकंड साहब को जांच दी है, एसपी क्राइम साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सी ओ सेकंड साहब को आदेश करें कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और शपथ पत्रों की जांच कराई जाए, अगर ये मुकदमा झूठा है तो इसे खत्म किया जाए। सब लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनस। क्या मामला? मामला ये है कि मैं मुफ्ती सवाले हसन को जो है लगभग 10-12 साल से जानता हूँ। मुफ्ती सवाले हसन जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के मामले में बहुत माशाल्लाह संजीदगी से काम लेते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं बच्चों से, और जो है लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सख्ती भी करते हैं। जब बच्चे याद नहीं करते तो सख्ती करते हैं ताकि बच्चा जो है अपने मुस्तकबिल को फ्यूचर को बर्बाद ना कर दे। तो इस बुनियाद पर आपने जो है उस बच्ची को गलती की बुनियाद पर डांट दिया होगा। अब डांटा तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये इस बात की मैं बिल्कुल हर्फ बहर्फ तस्दीक करता हूँ क्योंकि मैं मुफ्ती सवाले हसन को बहुत दिनों से जानता हूँ और लीचीबाग के लोगों को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये जो मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है ये बिल्कुल सरे से झूठा है और बिल्कुल गलत है। ये उलमा कराम की जो है एक उनकी कदर व मंजिलत को घटाने की कोशिश की गई है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगर वो कोई कदम उठा सकता तो हम यही आशंका करते हैं आपसे कि आप जो है इस मामले में संजीदगी से काम न लें, बल्कि जल्द से जल्द इसमें काम लेने के बाद जो है इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई भी उलमा कराम पर जो है बिला वजह की जो है कार्रवाई करने की कोशिश न करें। ठीक है।